भाई लोगों, जैसा कि आपने आज का थंबनेल एंड टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको ना सात डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज घुमाने वाला हूँ, वो भी सिर्फ एक दिन के अंदर। क्या मैं एक प्राइवेट जेट बुक करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ? अरे बाबा, क्या समझ में नहीं आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? मैं आपको बताता हूँ यार, मुझे सब पता है। आज मैं आपको एक ऐसी शानदार ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप सात डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज एक ही दिन में घूम सकते हो। मैं खुद एक ट्रैवलिंग का बहुत ही बड़ा शौकीन हूँ, मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, बट ट्रैवलिंग के लिए चाहिए भाई जेब में रोकड़ा, पैसा पैसा और काफी सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स, काफी सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ रुकोगे, कहाँ घूमोगे, कहाँ खाओगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, वो सारी चीजें। तो उन सब चीजों का भार मैं आज आपके सर से हटा देता हूँ। अगर आपको सात डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज घूमनी है, वहाँ के सात डिफरेंट डिफरेंट वंडर्स देखने हैं, तो मैं एक ही दिन के अंदर आपको वहाँ घुमाऊंगा। उसके पीछे एक बहुत ही शानदार ट्रिक जो कि है साइंस एंड आर्किटेक्चर डिज़ाइन, क्योंकि आज की जो डिज़ाइन है, जो आर्किटेक्चर है, वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। जो मेड इन इंडिया चीज़ें हैं वो बहुत ही फास्टली रैपिडली ग्रो कर रही हैं। जितना ज़्यादा अपना इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे जाते जा रहा है ना, उतना ही ज़्यादा अपना इंडिया ना जुगाड़ू है भाई, जुगाड़ू। वो भी ऐसा वैसा जुगाड़ू नहीं, बहुत ही एक्स लेवल वाला जुगाड़ू। तो आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ सात डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, वो भी एक दिन के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। 1, 2, 3। तो भाई लोग, अभी मैं खड़ा हूँ द लीनिंग टावर ऑफ पीसा में, जो कि है इटली के अंदर। चलिए ना सर, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई लोग, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सारी भीड़ है, तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। चलो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले लीनिंग टावर ऑफ पीसा। ये है लीनिंग टावर ऑफ पीसा। इसको बनाने में 200 साल का समय लगा है और इसकी शुरुआत हुई थी 1173 में। ये उस टाइम का सबसे टॉलेस्ट स्ट्रक्चर था और इसकी हाइट है 57 मीटर। और इसकी खास बात यह है कि ये 5 सेंटीमीटर झुका हुआ है और इसको देखने के लिए 5 मिलियन से ज्यादा लोग सालाना यहाँ आते हैं। भाई लोग, मुझे नहीं पता आपको ये वीडियो के अंदर टेढ़ा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बाकी रियल आंखों से जब मैं इसे देख रहा हूँ ना, तो ये ऐसे स्लाइटली थोड़ा सा बेंड है। और हम जब छोटे थे ना, तब हम इसे ना टेढ़ा मेढ़ा टावर कहते थे, टेढ़ा मेढ़ा। तो भाई लोग, आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अब चलते हमारी दूसरी कंट्री में जो कि आस पड़ोस में ही है, 10 से 15 कदम लगेंगे उधर जाने के लिए। चलो। तो भाई लोग, अभी हम आ रहे हैं ब्राजील के द क्राइस्ट ऑफ रिडीमर पे। भाई लोग, आपने इन्हें कहीं देखा या नहीं देखा होगा, आपने क्लासमेट की बुक्स के अंदर जरूर देखा होगा। ये है जीजस क्राइस्ट की सबसे टॉलेस्ट स्टैचू, जो कि 1922 में बनाई गई थी। इसकी हाइट है 38 मीटर और इसे बनाया गया है इंपोर्टेड स्टोन से, जो कि स्वीडन से लाए गए हैं। और आपको एक खास बात बताऊं, इसका एक बार उंगली भी टूट गया था बिजली के कारण, और इसे सालाना 2 मिलियन से ज्यादा लोग देखने आते हैं। आ जाओ। और भाई लोगों, देखो ये पीछे से कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। वो क्लासमेट की बुक में है ना, पीछे से नहीं दिखाई देते थे, आगे से ही दिखाई देते थे, तो मेरे को डाउट था, इसलिए मैं पीछे आके देख के गया हूँ। अच्छा, हमको सिखा दिया है। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट पे चले, चलो। तो भाई लोगों, जैसा कि अभी हमें ताजमहल ही दिखाई दे रहा है और हमारे सबसे करीब वही है, तो ताजमहल ही चलते हैं। आ जाओ भाई लोगों, कितनी कंट्रीज विजिट कर गए, अपना एक बार भी वीजा नहीं लगा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ताजमहल, द सिंबल ऑफ लव, जो कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनाया था 1632 में, और इसको बनने में टोटल 22 साल लगे हैं। क्या आपको पता है उस समय में इसको बनाने में 3 करोड़ रुपए की लागत आई थी, जो कि आज के समय में 10,000 करोड़ रुपए के बराबर है। क्या आप बनाना चाहेंगे अपने प्यार के लिए ताजमहल? नहीं। आगे चले, आगे भी चलने का है भाई। चलो गाइज, इंडिया में बहुत ज्यादा गर्मी है यार, अब एक काम करते हैं, कहीं और चलते हैं। अरे भाई लोग यार, इजिप्ट सबसे करीब पड़ा है, पर गर्मी इधर भी ज्यादा ही है। ओ भाई, खतरनाक यार, ये काफी पुराने टाइम पहले जो पत्थर रहते उनको एक के ऊपर एक जमा करके है ना, फिर बनाया गया है पिरामिड, इसलिए 7 वंडर्स के अंदर आता है। यह है दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट अजूबा।
जो कि किंग कुफू का रेस्टिंग प्लेस था। इसे बनाने में 20 साल का समय लगा और इसकी हाइट 481 फीट है। ये 3800 सालों तक दुनिया का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग रहा है। तो भाई लोग, इजिप्ट कैसा लगा आपको? ये है कजारिया टाइम्स का इजिप्ट, और इसकी एक खासियत है, चारों तरफ से एक जैसा दिखता है और इसमें कोई मम्मी वगैरह नहीं है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों भैया? देखा, चलो भाई चलते हैं अब अमेरिका। अमेरिका चलते हैं, ये आ गया अमेरिका। तो भाई लोगों, बचपन से मैंने किसी वंडर के बारे में जाना और देखा और पढ़ा है, वो है ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। 1886 में फ्रांस ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को यूएसए को गिफ्ट करा, जिसकी हाइट 306 फीट थी और इसको बनाने में 9 साल का समय लगा। और एक बात बताऊं आपको, यहाँ से काफी सारे लोगों ने कूद के सुसाइड भी करी है। और आपको पता है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक टाइम पे दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू थी, बट इसको अब स्टैचू ऑफ यूनिटी इंडिया ने बीट कर दिया है। तो भाई लोग, अभी मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पीछे की तरफ हूँ और आपको एक बात बताऊं, मैं कुछ दशकों के अंदर इसका कलर चेंज हो चुका है सफेद से ग्रीन के अंदर। तो भाई लोगो, सेव अर्थ। तो भाई लोगों, अभी तक हम 5 वंडर्स घूम चुके हैं, जिसमें से 1, 2, 3, 4, 5। अब घुमाते हैं आपको 6वें वंडर पे, द आईफल टावर पे। चलो, भाई लोग, अभी हम आ चुके हैं आईफिल टावर। जो रियल वाला है ना, वो तो काफी बड़ा है और उसके अंदर रेस्टोरेंट और लिफ्ट वगैरह सब कुछ लग रखी है। आओ नीचे से दिखाते हैं। पूरा लोहा ही लोहा लगा रखा, टाटा वाला टाटा का लोहा, मजबूत लोहा। मस्त 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 भाई, अगले पे चलते हैं, लास्ट वाले पे। तो भाई लोगों, पेरिस से सीधा रोम आ चुके हैं और अब हम आ चुके हैं द कोलिजियम में। ये है सबसे एंशियंट रोम मॉन्यूमेंट। आओ दिखाता हूँ मैं। तो गाइस, इसके सामने बैठ के है ना, मुझे जयपुर के हवा महल की फील आ रही है। एक बार विंडोज देखो यार, कितनी सारी विंडोज इसमें दे रखी है। भाई लोगों, कोई भी इंडियन किसी मॉन्यूमेंट पे जाए और इंडियन स्टाइल में फोटो ना खिंचवाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चालू करते हैं इंडियन स्टाइल का फोटो। भाई लोगों, काफी थक चुके हैं यार और काफी मजा आया है। ट्रूली स्पीकिंग यार, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। कुछ भी कहो, चाहे डमी हो, चाहे मिनिएचर साइज हो, बट जो यहाँ पे लोगों के चेहरे पे खुशी है ना, वो एक नंबर है। मतलब लोग कितने एक्साइटेड है। मैं आपको भीड़ दिखाता हूँ एक बार। देखो यहाँ पे भीड़, देखो एक बार भीड़ देखो यार, इधर कितनी सारी भीड़ है। इससे पता चलता है कि छोटी छोटी चीज़ें लाइफ के अंदर कितनी ज़्यादा खुशियाँ लेके आती है। और जो सबसे खास बात पता ये है कि भाई, यहाँ पे आपका एक भी रुपया नहीं लग रहा है। जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो यहाँ पे विजिटिंग है, सब कुछ है फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप एक रियल टू लाइफ एक्सपीरियंस ले सकते हो। आपने फोटोज़ में देखा होगा, आपने वीडियोस में देखा होगा, बट यहाँ पे आप एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस ले सकते हो इन मॉन्यूमेंट्स का, इन वंडर्स का। और भाई लोग, एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा, आपका कौन सा सबसे बेस्ट फेवरेट वंडर है, नीचे जाके कॉमेंट में ज़रूर लिखना। और अगर आप इस वीडियो पे 50K का लाइक टारगेट अचीव करते हो, तो मैं इनमें से एक रियल वंडर पे जाके ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक्सेप्ट ताजमहल, ताजमहल को छोड़ के किसी और पे, क्योंकि ताजमहल पे मैं पहले भी विजिट कर चुका हूं। भाई लोगों, भीड़ देखो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है यार। कैसा दोस्त है यार, वहीं पे छोड़ के चला गया मेरे को। हद है, मतलब मैं वहाँ पे शूट क्या कर। अच्छा अच्छा, चल चल चल, अब चलते हैं, चलो।